औरों के लिए जियो का प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर बताएं। बाबा आमेठ को बाबा बाबा कहकर कौन पुकारता था? बाबा आमेठ को माँ उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकारती थी। बाबा के आश्रम का क्या नाम है? बाबा के आश्रम का नाम था आनंदवन। भारत सरकार ने बाबा आमेठ को किस उपाधि से विभूषित किया? भारत सरकार ने बाबा आमेठ को पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। अभय साधक का अर्थ क्या है? पाठ में इसकी चर्चा किस संबंध में की गई है? अभय साधक का अर्थ है किसी को ना डरते हुए कुछ काम करना या कुछ साधना करना। पाठ में इसकी चर्चा ऐसे हुई है कि बाबा आम्बेडकर ने ना डरते हुए कुष्ठ रोगियों के सेवा किए हैं। मुरलीधर की माँ कैसी थी तथा उन्होंने उन्हें क्या सिखाया? मुरलीधर की माँ बहुत ही सीधी सादी थी। उनमें सच्चाई, सेवाभाव, उदारता आदि गुण कुट कुट कर भरे थे। माँ ने उन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से प्यार करना सिखाया। कौन सी घटना ने मुरलीधर के जीवन की दिशा बदल दी? एक बार सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग करते हुए हड़ताल कर दी। बाबा आमेठ ने उनकी चुनौती स्वीकार की और शहर के शौचालय को साफ करने में लग गए। अगले 9 महीने तक उन्होंने यह काम किया। यह घटना आम्बेडकर के जीवन की दिशा ही बदल दी। कुष्ठ रोगियों के प्रति बाबा आमेठ की भावनाएं कैसी थी? जब समाज में कुष्ठ रोगियों का कोई स्थान नहीं था, तब रोग होते ही परिवार वाले उन्हें छूत का रोगी समझकर घर से बाहर कर देते थे। तब मुरलीधर ने उन्हें आश्रम ही नहीं दिया, उन्हें कमाकर खाने का आत्मसम्मान भी दिलाया। सही वाक्य के सामने टिक का निशान लगाया, सही का निशान लगाएं। बाबा सारा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा करते रहे। सही है। बाबा एक ब्राह्मण परिवार के सबसे छोटे पुत्र थे। वो सबसे छोटे नहीं, वो सबसे बड़े पुत्र थे। तो ये जो वाक्य है ये गलत होगा। बाबा आमेठ रोगियों में आत्मसम्मान जगाना चाहते थे। सही है। बाबा को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। गलत है। उन्हें पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया था। नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखें। जीवन मरण, निम्न उच्च, सम्मान अपमान, अर्थ अनर्थ, प्रारंभ अंत, साकार निराकार। दिए गए शब्दों को उपयुक्त स्थान पर लिखें। निडर जिज्ञासु, एक रात, अभय साधक, निम्न जाति, उत्तम सोच, अंतिम अवस्था। नीचे कुछ शब्दों के वन विच्छेद दिए जा रहे हैं जिनमें स्वर हैं पर व्यंजन गायब हैं। आप व्यंजन लगाएं। भारतीय, व युक्त आ, युक्त र, युक्त अ, युक्त त, युक्त ई, युक्त य, युक्त अ, ये हो गया भारतीय। उसी तरह महिला, व युक्त अ, युक्त ह, युक्त ई, युक्त ल, युक्त आ, महिला। चुनौती, च युक्त युक्त ई उ, उक्त न, उक्त ओ, उक्त त, उक्त ई, बड़ी। चुनौती। खिताब, ख युक्त ई, युक्त त, युक्त आ, युक्त व, उक्त अ, खिताब। पुरस्कार, फ युक्त अ, उक्त र, उक्त अ, उक्त श, उक्त क, उक्त आ, उक्त र, उक्त अ, पुरस्कार। मुरलीधर की माँ बहुत ही सीधी सादी थी। इस वाक्य में क्रिया है थी, इसका मतलब है माँ थी, अब नहीं है, अर्थात क्रिया हो चुकी भूतकाल। कोशिश करने से आदमी सफलता प्राप्त करता है। क्रिया हो रही है तो वर्तमान काल। बाबा आमेठ का सदा नाम रहेगा, आगे भी होगा। क्रिया होगी भविष्यत काल। क्रिया कब हुई उसके होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया रेखांकित करके उसके सामने काल लिखें। लोगों को कुएं से पानी लेने की पाबंदी थी इधर, तो ये भूतकाल होगी। इन विशाल भवनों में बाबा की लगन दिखाई देती है तो वर्तमान काल है। उन दिनों कुष्ठ रोगियों को
रोगियों का समाज में कोई स्थान नहीं था, नहीं था तो इधर यह भूतकाल होगा। आनंदवन आश्रम लोगों के कल्याण के लिए खुला रहेगा तो ये भविष्यत काल है, तो इधर ये भविष्यत काल होगा।